चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के संकनाद के साथ ही यह भी तय कर दिया है कि कोई भी उम्मीदवार चुनाव प्रचार में कितना खर्च कर सकता है। खर्च की यह सीमा 10 या 20 लाख नहीं बल्कि इससे कई गुना ज्यादा है। आयोग ने साफ किया कि इस बार संसद का चुनाव लड़ रहा छोटे राज्यों का कोई भी प्रत्याशी 75 लाख और बड़े राज्यों का उम्मीदवार 95 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेगा। वहीं जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां इसके उम्मीदवार 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इसमें चाय पानी की खर्चे से लेकर बैठकों, जुलूस, रैलियां, विज्ञापनों, पोस्टर, बैनर और वाहनों का खर्चा भी शामिल होता है। दरअसल चुनाव के दौरान निष्पक्षता कायम रखने के लिए चुनाव आयोग हर उम्मीदवार के लिए चुनाव के दौरान खर्च की अधिकतम सीमा तय कर देता है। इससे चुनाव में धन बल के इस्तेमाल पर काबू पाया जाता है। इस खर्च की गणना नामांकन के साथ ही शुरू हो जाती है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार हर प्रत्याशी को नामांकन कराने के बाद से ही एक डायरी में रोज के खर्च का हिसाब रखना पड़ता है और चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरा ब्यौरा आयोग को देना होता है। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिलने के बाद देश में पहली बार साल 1951 में संसदीय चुनाव हुए थे। तब प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 25,000 रुपए तय की गई थी। इसके बाद अगले चार संसदीय चुनाव यानी साल 1967 में हुए आम चुनाव तक खर्च की अधिकतम सीमा 25,000 रुपए ही रही। साल 1971 में लोकसभा चुनाव के लिए खर्च की सीमा को बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दिया गया। यह सीमा साल 1977 तक बरकरार रही। इसके बाद समय समय पर जरूरत के हिसाब से खर्च की सीमा में बढ़ोतरी होती रही। इस बढ़ोतरी के कारण साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान खर्च की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए तक पहुंच गई थी, जो 2009 के चुनाव में भी बरकरार रही। 23 फरवरी 2011 को निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर अलग अलग राज्यों के लिए लोकसभा चुनाव खर्च की सीमा 22 लाख रुपए से 40 लाख रुपए तक तय की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले खर्च की सीमा को अलग अलग राज्यों के लिए 54 लाख रुपए से 70 लाख रुपए तक तय किया गया था। 2019 के चुनाव में यह सीमा बरकरार रही। इसके बाद चुनाव खर्च की सीमा की समीक्षा करने के लिए निर्वाचन आयोग ने 2020 में एक कमेटी बनाई थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर इस बार चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा को पिछले चुनाव की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।